किसको पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, सब बच्चा बड़ा और किसी को पसंद नहीं आता है। तो आज मैं करेले का ऐसे रेसिपी बनाऊंगी। तो एक करेला मैंने पहले राउंड राउंड करके काट के लिए और अभी मैं बॉयल करूंगी। करेले का बनाऊंगी मैं भाजिया। तो चलिए रेसिपी शुरू करते। तो मैंने पहले जैसे धो के मैंने काट के लिए और मैं एक बाउल लिए, इसमें मैंने पानी लिए, पानी के अंदर मैं ढाल दूंगी और मैं इसमें दूंगी थोड़ी सी नमक। तो लेके हम बॉईल कर लेते। करेला बॉईल हो गया, हमारा बॉईल हो गया। तो हम एक छानी लिए, इसमें हम पानी छान लेते। देखिए बॉईल हो गया। तो देखिए करेला मैंने फैला के रख दिया ठंडा होने के लिए। तो चलिए हम दूसरा रेडी करते हैं, ये थोड़ा ठंडा होने दीजिए। मैंने बॉल लिया, उसमें हम ऐड करेंगे बेसन। हम इतना पहले ले लेंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी रस का आटा, क्योंकि इसमें क्रिस्पी होएगा, इसलिए मैं रस का आटा दे दो चम्मच जैसे। तो मैं इसी में ऐड करूँगी नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी देर में जीरा का पाउडर, ये भुना हुआ है, और मैं दूंगी थोड़ी सी काला मिर्च का पाउडर। तो मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो मैं इसमें ऐड करूँगी पानी थोड़ा थोड़ा करके, एक बटर बना लेते। ज़्यादा पतला नहीं बनाने का। बटर बन के रेडी है, देखिए ज़्यादा ना पतला ना मोटा। तो करेले का रेसिपी शायद आप लोग को सबको पसंद आ जाए। तो चलिए बटर बन के रेडी है। तो चलिए बटर बन के रेडी है। तो हम एक करेला कैसे लेंगे, रेसम उलट पलट करके अच्छी तरह से बटर को लगा लेंगे, तो फ्राई कर लें। तो चलिए करेले की तरफ। तो गैस चालू है, कढ़ाई भी बैठा दिया, तेल दे दिया, तेल गर्म हो गया। तो एक एक करके हम ऐसे दे देंगे। देखिए कितना मस्त फ्राई हो गया। तो मेरा फ्राई हो गया, मैं अभी निकल दूंगी और जो बात बाकी जो बचा हुआ है वो भी ऐसे मैं धीरे धीरे फ्राई कर लूँगी थोड़ा आराम से, क्योंकि ये जब भी मैं निकल के रख देते। मेरा करेला का भाजी बन के रेडी है। मैंने जो करेले का भजिया बनाया शायद सबको पसंद आ जाएगा, एकदम न्यू रेसिपी है ये। आप किसी के साथ आप खा सकते हैं, आप भात का भी साथ खा सकते हो और ऐसा भी आप खा सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अपने वीडियो का साथ। ओके बाय।